Uh, मैं आमंत्रित करती हूँ नवीन को कुछ पंक्तियों के साथ सो so, जितने uh, जितने साहस से और जितने वीरता से नवीन कविता सुनाते हैं ऐसे ही मैं कुछ कहना चाहूंगी सो so, uh, वर्तमान में जीकर देखो यूं कल क्या परसों तक भी वर्तमान में जीकर देखो यूं कल क्या परसों तक भी जीने की अदम्य इच्छा से जी लेते हैं बरसों भी जीने की अदम इच्छा से जी लेते हैं बरसों भी भरो भरो हृदय में जोश होश अब भरो हृदय में जोश होश अब अड़कर जीत करो अपनी भरो हृदय में जोश होश अब अड़कर जीत करो अपनी चलो उठो अब कमर कसो तुम लड़कर जीत करो अपनी स्वागत है नबी वाह वाह मैडम आपने कुछ ज्यादा ही बोल दिया और यही बोल-बोल के आपने लिखना सिखा दिया <laughs> तो <laughs> सबसे पहले मैं महाकाल और ज्ञान की धरती काशी से जुड़े मेरे गुरु हैं और मैं देख रहा हूँ तो अरविंदा फाउंडेशन और श्री सतीश सर हैं उनको प्रणाम नीलम मैडम ने जब मुझे बोला कि कविता पढ़ना है पढ़ोगे मैंने कहा कहीं भी पढ़वाइए आ जाऊंगा लेकिन यहाँ की कविताओं का स्तर सुन के ऐसे लग रहा है कि मुझे दिग्गजों के बीच में फेंक दिया गया मैं तैरना नहीं जानता हूं लेकिन बहुत ही उदार हृदय के लोग लग रहे हैं तो सीख जाऊंगा तैरना मेरी दो कविताएं हैं, एक है पतझड़ के पेड़ पतझड़ के पेड़ और दूसरी है आशाएं सृष्टि की अस्तित्व तो सबसे पहली कविता पत्तियां कुचलना पतझड़ की पत्तियां कुचलना पतझड़ की सबको बचकाना लगता है जान थी ये किसी बेबस पेड़ की जान थी ये किसी बेबस पेड़ की कदमों ने नहीं जाना लगता है जान थी ये किसी बेबस पेड़ की कदमों ने नहीं जाना लगता है पत्तों की बारिश थी पत्तों की बारिश थी या झरझर आंसू बरस रहे एक डाल के ऐसे बिछड़े एक डाल के ऐसे बिछड़े मिलने को फिर तरस रहे एक डाल के ऐसे बिछड़े मिलने को फिर तरस रहे पेड़ रोया जिनको खोकर नए भले वह पालेगा गिर गए वो फिर न उठेंगे खुद को कैसे समझा लेगा गिर गए वो फिर न उठेंगे खुद को कैसे समझा लेगा पेड़ पिता का पेड़ रूपी पिता है उसकी भावना पेड़ पिता का जीवन अधम है बरसों कैसे सह लेता है पेड़ पिता का जीवन अधम है बरसों कैसे सह लेता है बसंत में में पनपे पत्तों को पतझड़ दफना लेता है बसंत में पनपे पत्तों को पतझड़ में दफना लेता है विरह की दावा नल है मन में विरह की दावा नल है मन में विरह की दावा नल है मन में पर पेड़ कैसे रो लेगा करता है वह छांव सभी को खुद की धूप भी झेलेगा करता है वह छांव सभी को खुद की धूप भी झेलेगा इसमें जिंदगी से भी कुछ को रिलेशन है जैसे बच्चन साहब ने मधुशाला लिखी तो उसमें बहुत सारी लाइफ की बातें भी अंदर हैं अगर कोई पढ़ना चाहे तो पुराने टूटते नए फूटते पुराने टूटते नए फूटते है काल की रीत यही पर टूटे पत्तों को कदमों से कुचले जाने की नीत नहीं यहाँ पुराने जो है जो हमारे माता पिता हैं वैसे मान लेते हैं आज का जो हस्त्र हो रहा है पुराने टूटते नए फूटते है काल की रीत यही पर टूटे पत्तों को कदमों से कुचले जाने की रीत नहीं नीत नहीं अंतिम 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 इस कविता की चार ला, दो लाइनें नहीं मलाल नहीं मलाल गिरते पत्तों को नहीं मलाल गिरते पत्तों को अपना फर्ज खूब अदा किए सुपुरदे खाक करके खुद को नए पत्तों को आबाद किए सुपुरदे खाक करके खुद खुद को वो खाद बन गए और पेड़ की ऊर्जा बन